सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सुवीर फर्स्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुवीर, आप देख रहे टेक्निकल सुवीर फर्स्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नोकिया ने अपना 5.1 प्लस स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया होगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे हो कि भाई यार 5.1 प्लस को तो पिछले साल लॉन्च कर दिया गया था दोस्तों, मैं और आप अभी कंफ्यूज हो गए होगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि 5.1 प्लस को दोबारा लॉन्च किया गया है, यानी कि दोबारा का मतलब ये है कि दूसरे वेरिएंट में लॉन्च किया गया, क्योंकि पिछली बार जो लॉन्च किया गया था वो अलग वेरिएंट में था और इस बार जो लॉन्च किया गया वो अलग वेरिएंट में है। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए तो आपको पूरा जो चीज है इसके अंदर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक चीज कहूंगा, चैनल पर नया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको दबा दीजिए, साइड में बेल आइकन का ऑप्शन आ जाएगा उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, नोकिया ने अपना 5.1 प्लस स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, कि मतलब ये है कि दोस्तों जो पिछली बार जो वेरिएंट में जो लॉन्च किया गया था इस स्मार्टफोन को, वो था 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस बार जो इसको लॉन्च किया गया वो 4 GB रैम और 6 GB रैम वाला जो इसको वेरिएंट, दो वेरिएंट में इसको लॉन्च किया गया है और इसका जो इंटरनल स्टोरेज है दोनों का एक ही है, यानी कि 64 GB। दोस्तों, इसमें जो थोड़ी बहुत जो फीचर्स जो बात करते तो स्पेसिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें है। तो दोस्तों, इसका ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों, इसमें डिस्प्ले 5.8 इंच की दी गई है, प्रोसेसर की बात करें तो 1.8 GHz की दी गई है, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और रेजोल्यूशन की बात करें तो दोस्तों इसमें 720x1520 पिक्सल का इसमें दिया है। और दोस्तों, इसमें OS की बात करें तो एंड्रॉइड 8.1 पर इसका आधारित है और रियर कैमरा की बात करें तो दोस्तों 13+5 MP का इसका रियर कैमरा, यानी कि 5 MP का आपका ब्लर कैमरा है। और दोस्तों, बैटरी की बात करें तो इसमें 3600 mAh की दोस्तों इसमें बैटरी दी जाती है। दोस्तों, आप बात करते हैं दोस्तों इसमें जो दो वेरिएंट के अंदर लॉन्च किया गया था, यानी कि 4 GB और 6 GB रैम वाला जो वेरिएंट लॉन्च किया था, इन दोनों की कीमत क्या होगी। दोस्तों, बात करते हैं पहले 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाले का, तो इसकी प्राइस जो है आपको मिले दोस्तों 14,499 रुपए। और दोस्तों, बात करते हैं दूसरे जो 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाला है, उसकी कीमत जो है दोस्तों 16,499 रुपए। दोस्तों, इन दोनों की कीमत ये रखी गई है। दोस्तों, आपको ये जो नोकिया की वेबसाइट पे इन दोनों स्मार्टफोन जो आपको दोनों वेरियंट जो आपको मिल जाएगी नोकिया की वेबसाइट पे। और दोस्तों, अगर आप दोस्तों इस स्मार्टफोन को एयरटेल के सिम के साथ खरीदते हैं तो आपको इसमें 2,000 रुपए तक के कैशबैक आपको मिलेगा, यानी कि एयरटेल की सिम के साथ अगर आप खरीदते हो तो ही आपको मिलेगा 2,000 रुपए का कैशबैक। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ।